महाराष्ट्र के साबिका वजीर आला और कांग्रेस के रहनुमा पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में मुसलमानों को खौफजदा किया जा रहा है, वहां खुद ब खुद मुसलमानों का इस्तेहकाम हो जाएगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है, पीएम मोदी इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि अगर वो बात करेंगे मुसलमानों के हिंदू वोट बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की तारीख नहीं जानते, महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या ये चुनाव 2024 का चुनाव मुस्लिम कार्ड या हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, धर्म के आधार पे चल रहा है? देखिए बिल्कुल नहीं, देश की जनता पे, मैं महाराष्ट्र की जनता की बात करूंगा। महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जिस तरह से मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, जैसे भी उनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, तो उससे अपने आप ही कंसोलिडेशन होगा मुस्लिम। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, और इस आशा से कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो शायद हिंदू वोट उनके बढ़ेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का इतिहास नहीं जानते। महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलती है, और सबसे बड़ा सर्वधर्म समभाव का कोई अगर प्रतीक होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनके विचारों पे महाराष्ट्र चलता है। तो अगर आप हिंदू समाज को इस तरह से मजहब पर बांटने की कोशिश करेंगे वो सफल नहीं होगा। एक ही बात होगी कि मुस्लिम समाज को आपने पूरा कंसोलिडेट कर दिया अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ, ताकि बीजेपी को, जिसके बीजेपी के सामने जो भी कोई होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव जी की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी की एनसीपी हो, उसे वोट पड़ेंगे। क्योंकि मोदी जी धकेल रहे हैं मुस्लिम समाज को अपने से दूर धकेल रहे हैं, इस आशा में कि शायद हिंदू समाज के वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मूलतः हिंदू समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की उसूलों पर चलता है।